हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2014 रिलीज्ड एक हॉलीवुड हॉरर सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है SLUT, जिसका मतलब तो आपको पता ही है। इस कहानी की शुरुआत होती है टेक्सास के एक छोटे से शहर में, जहां मैडी नाम की एक लड़की रहती थी अपने बीमार ग्रैनी के साथ। थी तो वो एक टीनेजर, मगर उसकी जिंदगी किसी आम टीनेजर जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके लाइफ में किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, ना वो स्कूल जाती थी, ना उसका कोई दोस्त था, ना था कोई रोमांटिक पार्टनर। एंटरटेनमेंट के नाम पे था तो बस अपने ग्रैनी के साथ बैठकर टीवी पे एक ही कार्टून बार बार देखना। ऊपर से उसके ग्रैनी पार्शियली पैरालाइज्ड भी थी। अपर बॉडी तो फिर भी मूव कर पाती थी वो, मगर उन्हें एक्चुअल में कोई सेंस नहीं था। आसपास क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं था उन्हें। ना वो कुछ बोल पाती थी, ना कुछ सुन पाती थी, और ना ही अपने पोते के लिए किसी तरह का कोई कंपनी प्रोवाइड कर पाती थी। वो जिंदा होकर भी नहीं थी। ऐसे में मैडी भी इसी जिंदगी से यूज्ड हो चुकी थी। पूरा दिन ग्रैनी का ख्याल रखना और बाकी समय अकेले में बिताना, और कुछ भी नहीं था उसके जिंदगी में। अकेले रहना ही जैसे आदत बन चुकी थी उसकी। इससे हुआ ये कि बढ़ती उम्र के साथ जब उसका पसंद नापसंद बदलने लगा, जब उसे बाहर की दुनिया ज्यादा पसंद आने लगी, तब उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होने लगा। वो चाहकर भी खुद को बाकी लड़कियों की तरह बना नहीं पाई। उसने बहुत कोशिश करी उनके तरह ड्रेसअप करने की, खुद से जाकर लड़कों से बात करने की, मगर उससे नहीं हुआ। उसे लगने लगा कि ये उसकी गलती है, कमी उसी में है। तभी तो कोई लड़का उसकी तरफ देखता भी नहीं, बात करना तो दूर की बात है, इतनी अनएट्रैक्टिव है वो। वो हर रोज स्केटिंग करने जाती थी और एक जॉली नाम के लड़के को ऑब्जर्व करती थी। वो उनके शहर की सबसे फेमस लड़की थी। बहुत सारे लड़के उस पर फिदा थे, तो डेफिनेटली कुछ तो जरूर थे उसमें। मैडी को वही सीखना था। वो हमेशा उसे कॉपी करने की कोशिश करती थी। इवन एक दिन तो उससे इंस्पायर्ड होकर उसने स्केटिंग भी करी, मगर उसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वो कुछ दूर जाकर ही मुंह के बल गिर गई, और जिन लड़कों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी वो, वही उस पर हंसने लगे। इट्स सो एम्बैरेसिंग। मैडी को लिटरली रोना आ गया था उस दिन। फॉर्चुनेटली वहाँ एक भले आदमी भी थे जो मैडी की मदद करते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि उसे बाकियों की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने आप में ही खूबसूरत है, बस बाकियों से थोड़ी सी अलग है वो। इसमें शर्म की क्या बात है? उस आदमी के बातों से मैडी को सच में अच्छा लगता है और उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी मिलता है थोड़ा सा। मगर कुछ देर बाद जब वो उसी आदमी को जॉली के साथ देखती है, उसका कॉन्फिडेंस टूटकर बिखर जाता है। वो समझ जाती है वो कितना ही अच्छी क्यों ना हो, उसे अटेंशन तभी मिलेगा जब वो उन लड़कियों की तरह बन पाएगी, स्मार्ट एंड बोल्ड। ऑनेस्टली थोड़ा सा खराब भी लगता है उसे। तो वो घर जाती है और उसी दिन से खुद को बदलने की तैयारी में लग जाती है। फुल फेस मेकअप करती है, बोल्ड रेड लिपस्टिक लगाती है, इवन कुछ डांस मूव्स भी प्रैक्टिस करती है। लेकिन बेचारी का चश्मा बार बार उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसके बिना तो ऑलमोस्ट अंधी थी वो। मगर खूबसूरत दिखने के लिए वो उसे भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। उसे कुछ भी करके बाय नेक्स्ट डे सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना ही था, बिल्कुल जॉली की तरह, जिससे वो स्ट्रेंजर भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो पड़े। मगर उसे पता नहीं था वो जिसे आइडलाइज कर रही है, मतलब जॉली को, उसे इस समय अपने फ्लर्टिशस नेचर की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ना वो ये जानती थी कि वो स्ट्रेंजर जिसके वैलिडेशन के लिए वो तड़प रही है, एक्चुअल में वो कौन है। अगले सीन में हमें उनके रोमांटिक डेट का एक ग्लिम्स मिलता है, जिससे हम समझ पाते हैं मैडी एक्चुअल में कितनी लकी है। क्योंकि वो स्ट्रेंजर कोई जॉली का एडमायरर नहीं है, बल्कि एक सोशियोपैथ है, एक पागल खूनी है जो ऐसे लड़कियों को टारगेट बनाता है जो इजीली फंस जाते हैं। उसे नफरत है ऐसे लड़कियों से। हम देखते हैं उसने जॉली के दोनों पैर एक रस्सी से बांध दिया है और उस रस्सी का दूसरा एंड टाइट है उसके गाड़ी से। रात के अंधेरे में ऐसे ही जॉली को लेकर पूरे शहर का चक्कर काटा है उसने, जिसके निशान उस बिचारी के शरीर में विजिबल है। पूरा स्किन ऑलमोस्ट पील ऑफ हो चुका है उसका, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, दर्द में चीखने की शक्ति भी नहीं है उसमें।
और वो पागल ऐसे हालत में भी उसे लेक्चर दे रहा है, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है, उसे यकीन दिला रहा है कि उसके जैसे लड़कियां इसी टॉर्चर के लायक होते हैं। उस रात जॉली जाकर भी खुद को आजाद नहीं कर पाई, ना भाग पाई, बेमौत मरना पड़ा उसे इस पागल खूनी के हाथ। उधर इस सबसे अनजान मैड ये वैलिडेशन के लिए डेस्परेट हो चुकी थी। अगले दिन ही वो एक अजीब सा ड्रेस पहनकर मुंह पर ढेर सारे मेकअप लपेट कर स्केटिंग रिंक में जा पहुंचती है। उसे लगा था सभी उसे देखकर स्टंट हो जाएंगे, वेल सभी तो नहीं होते, मगर एक लड़के को वो पसंद आ जाती है और दोनों उसी रात इंटीमेट भी होते हैं। एक्चुअली वो लड़का तो फिर भी हेजिटेट कर रहा था, मगर मैडी नहीं, किसी ने उसे पसंद किया, उसके करीब आना चाहा, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट एक्साइटमेंट के चक्कर में उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उसका चश्मा टूट चुका है। लाइफ में पहली बार इतना प्रेशियस फील कर रही थी वो, ऐसे कैसे जाने देती। मगर उसे पता नहीं था उस लड़के के अलावा किसी और की नजर भी पड़ी थी उस पर, उस पागल खूनी का, जो कुछ ज्यादा ही नाराज था मैडी पर, क्योंकि उसका गेस गलत जो निकला था। उसे लगा था मैडी अच्छी लड़की है, तो उसका ऐसा बर्ताव उससे हजम नहीं हो रहा था। वो मैडी का पीछा करता है और उसके घर जा पहुंचता है। उधर मैडी तो खुशी से उछलने लगी थी। वो घर आकर सबसे पहले अपने ग्रैनी से अपनी जीत की खबर शेयर करती है। उसे थोड़ा ऑड लगता है जब ग्रैनी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, मतलब एटलीस्ट सर तो वो हिला ही सकती थी ना, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैडी भी अपसेट होकर ऊपर चली जाती है। वो देख नहीं पाती उसके जाते ही उसकी दादी उठकर खड़ी हो जाती है और फिर टीवी बंद करके ऊपर की तरफ जाने लगती है। नहीं, ये कोई मिरेकल नहीं था, उसकी ग्रैनी अचानक से ही ठीक नहीं हो गई थी। एक्चुअल में तो ये ग्रैनी थी ही नहीं, ये वो पागल खूनी था जिसने ग्रैनी को चेयर से उठाकर खुद उनके कपड़े पहनकर उनके ही चेयर पे बैठ गया था। बेचारी ग्रैनी तो नीचे पड़ी थी, मैडी ने चश्मा नहीं पहन रखा था इसलिए वो देख नहीं पाई और इसीलिए उसे कोई डर भी नहीं लगा। वो बेझिझक अपने कमरे में जाकर खुशी खुशी सो जाती है, मगर कमरे का लाइट ऑफ होते ही उसे फ्लोरबोर्ड क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है और तो और उसे फील होता है उसके पैर के पास कुछ है जो वहां नहीं होना चाहिए था। जिसे टच करके बहुत मुश्किल से वो समझ पाती है ये तो एक रस्सी है जिस पर खून लगा है, वो भी सूखा हुआ। इस पॉइंट पर मैडी काफी घबरा जाती है और कमरे से भागने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी तब तक ऊपर पहुंच चुका था। वो उसे धक्का मारकर गिरा देता है और फिर उस रस्सी से फंदा बनाकर डाल देती है मैडी के पैर में, ठीक जैसे उसने जॉली के साथ किया था पिछली रात, वो भी इसी रस्सी से। मैडी इतना डर जाती है कि वो उससे कहती है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, बस उसे जान से ना मारे। इसके जवाब में उल्टा वो आदमी उससे ही पूछता है वो क्या चाहती है, उसके साथ क्या किया जाए। मैडी समझ नहीं पाती जवाब में उसे क्या कहना चाहिए, तो वो वही कहती है जो उसे कहना नहीं चाहिए था। वो उसे उसके जान के बदले उसे मोलेस्ट करने का परमिशन दे देती है, एग्जैक्टली जिससे इस आदमी को नफरत थी। इससे वो और भड़क जाता है और मैडी को चोक करने लगता है। मैडी की सांस बस रुकने ही वाली थी कि ऐसे में अचानक ही उसके हाथ लग जाता है एक लिपस्टिक, जिसे वो उस आदमी के आंखों में घुसा देती है और फिर उस रस्ते को फांसी का फंदा बनाकर डाल देती है उसी के गले में। इससे कुछ देर के लिए वो वल्नरेबल हो जाता है और मैडी खुद को आजाद कर लेती है, मगर भाग नहीं पाती। वो आदमी उससे पहले ही जल्दी से खुद को संभाल कर फिर से उस पर झपट पड़ता है, मैडी को बिल्कुल कॉर्नर कर लेता है। मगर ठीक यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है, एक ऐसा हादसा होता है जिससे पूरा गेम ही पलट जाता है। उस आदमी के प्रेशर से कमरे का एक फ्लोर बोर्ड खिसक जाता है और उसका पैर अटक जाता है। तब तक उधर मैडी ने भी एक कुल्हाड़ी उठा लिया था, अब उल्टा उसी से ये आदमी अपनी जान की भीख मांगने लगता है। उससे कहता है वो उस ऑफर के लिए तैयार है जो मैडी ने उसे पहले दिया था, मगर मैडी और उसकी कोई बात नहीं सुनती, वो कुल्हाड़ी से वार कर देती है जो अनफॉर्चुनेटली उस आदमी को हिट नहीं करता, इनफैक्ट उस तक पहुंचती ही नहीं। इससे वो आदमी भी बहुत खुश हो जाता है और अपना पैर निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है।
और जैसे ही वो अगला कदम रखता है वो पूरा बोर्ड ही टूटकर नीचे गिर जाता है और उस आदमी के गले पर जो फंदा था वो फांसी का फंदा बन जाता है। कुछ देर ऐसे ही हवा में लटकता रहता है वो, छटपटाता है, ठीक जैसे उस रात जॉली तड़पी थी। पनिशमेंट के नाम पे ना जाने कितने लड़कियों की जान ली थी इस दरिंदे ने। आज फाइनली मैडी के हाथ उसका खेल खत्म होता है, वो भी इतने अजीब तरीके से। डेस्टिनी हाँ। इस फिल्म की एंड होती है अगले सीन में एक बहुत ही अजीब नजारे के साथ। हम मैडी को देखते हैं अपने ग्रैनी को चेयर पे बिठा के दवाई देते हुए। इतना कुछ हो गया लेकिन उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनके पीछे एक लाश लटक रही है, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं, बस टीवी ऑन करके हमेशा की तरह उसी को देखती रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक एक छोटे बच्चे की तरह। यह सीन फनी भी है, साथ में थॉट प्रोवोकिंग भी। आज अगर लक उसका साथ नहीं देता तो कौन बचाता मैडी को, गॉड नोज। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये एक शॉर्ट फिल्म है, यूट्यूब पर ही आपको इजीली मिल जाएगा, चाहो तो आप सर्च कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलता है एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।